यूपीएससी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचईएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है। यह घटनाचक्र की सीरीज है मित्रों, घटनाचक्र टो सीरीज का, और 6 भाग मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। यह 7वां भाग है, मतलब एक सीरीज में आपके 30 प्रश्न हैं। आपका जीएस भी 30 ही प्रश्न आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में 30 प्रश्न जीएस होगा, 70% आपका सब्जेक्ट होगा। तो 30 प्रश्न जो जीएस का है उसको मैं 15-15 करके मैं दो दो पार्ट में कंप्लीट करा रहा हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो यह आपका 13वां भाग है, 13वां पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं और पूरा व्याख्या के साथ मैं बता रहा हूँ आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपीएचईएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर घटनाचक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और यह कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और 20ों में कंप्लीट कराऊंगा आपका। तो प्रश्न एक दिखेगा, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो यह होगा आपका प्रयोगात्मक विधि, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। क्यों होगा? क्योंकि प्रयोगात्मक विधि अनुसंधान और शोध की एक प्रमुख विधि होती है। प्रयोगात्मक विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। कारण एवं प्रभाव का संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहला, यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा, यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। दूसरा, यह कारण नहीं है जो प्रभाव भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर प्रयोगात्मक विधि में यह होता है। प्रश्न दो देखिएगा, द्वितीय पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो द्वितीय पीढ़ी के जो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर का। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न तीन देखिएगा, डेरोचो नामक का तूफान कौन सा देश प्रभावित हुआ है? डेरोचो तूफान जो आया है संयुक्त राज्य अमेरिका में आया हुआ है डेरोचो तूफान, जिसके इतना बड़ा तूफान था कि पूरे आकाश का रंग जो था वह हरा हो गया था। तो देखिए पूरा विस्तार से, संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्य डेरोचो नामक तूफान से प्रभावित थे और इस तूफान से आकाश का रंग हरा हो गया था। यह गर्म मौसम में होने वाली परिघटना है, इसलिए एक डेरोचो को आमतौर पर गर्मियों के दौरान ही दिखाई देता है। गर्मियों के मौसम में संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाला तूफान होता है और पूरा आकाश का रंग हरा हो गया था। प्रश्न चार देखिएगा, हाल ही में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है? श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है हाल ही में? तो दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है, विकल्प बी जो है वो आपका सही है, दिनेश गुणवर्धने। तो दिनेश गुणवर्धने विभिन्न सरकारों में श्रीलंका के गृह मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और अब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्रश्न पाँच देखिएगा, शुष्क हवा में नाइट्रोजन का प्रश्न कितना होता है? तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन का प्रश्न जो होता है 78.08%, मतलब 78% के लगभग समझिए, विकल्प डी जो है आपका सही है। 21% ऑक्सीजन भी होता है और 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस होते हैं। प्रश्न छः देखिएगा, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत जो ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है ये पूछ रहा है। तो देखिए ओजोन परत जो है पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर के मध्य जो है, 15 से 30 किलोमीटर के मध्य जो है वह ओजोन परत ऊंचाई होती है, तो लगभग 20 किलोमीटर आप मान सकते हैं। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न सात देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। मक्का भी आपका बायोडीजल की फसल है। तो अगर ये सब हो तो आप मान सकते हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही है, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है और जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का एक पौधा है जो सूखे एवं विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। यह एक ऐसा बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा में 27 से 40% तक, 27 से लेकर 40% तक केवल तेल ही होता है उसमें। प्रश्न आठ देखिएगा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम भारत में पारित किया गया था 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 27 दिसंबर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम भारत में पारित हुआ था। प्रश्न नौ देखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन बहुत सारे लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुड़ा से संबंधित हैं। सुंदरलाल बहुगुड़ा चिपको आंदोलन से संबंधित थे, लेकिन इसके मेन प्रणेता जो थे वह आपके चंडी प्रसाद भट्ट थे। चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। इन्होंने 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। 1964 में इन्होंने एक संस्था बनाई थी, दासोली
दासोली ग्राम स्वराज मंडल, दासोली ग्राम स्वराज मंडल नाम की एक संस्था बनाई थी 1964 में। और यह संस्था क्या काम करती थी, और यह संस्था मतलब कि इस तरह की जो भी इनका कार्य रहा है वह संस्था काम करती थी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध में यह इस संस्था का योगदान रहा और चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इन्हीं के साथ इनके सहयोगी जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। प्रश्न 17 देखिएगा, नहीं प्रश्न 9 होगा ना, प्रश्न 10 देखिएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें जो हैं दर्शन पर आधारित हैं, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। कितने उपनिषद होते हैं, 108 उपनिषद हैं और शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, तो ये पता होना चाहिए आपको। प्रश्न 11 देखिएगा, एका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, एका आंदोलन जो था वह प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश के, बाबा राम सिंह इसके एका आंदोलन के प्रणेता थे, उत्तर प्रदेश के हरदोई बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा हुआ था एका आंदोलन, मतलब अवध के क्षेत्रों में हुआ था, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, धर्म आदि के नाम पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान का अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, इसके किसके अंतर्गत अधिकृत किया गया है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है विकल्प ए। प्रश्न 13 देखिएगा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार ही हुआ है और वह कहाँ हुआ है। देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, यह अनुच्छेद 352 में किया गया है। कुछ लोग सोचेंगे अनुच्छेद 74 में है, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है, मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है, जबकि अनुच्छेद 352 में आपातकाल का व्याख्या देते हुए वहाँ मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा सूचित करेगा, तो समझे आप, तो यह अनुच्छेद 352 के 3 में इस शब्द का प्रयोग है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसको लिखित में इस तरह की सूचना देगा, तो अनुच्छेद ए जो है वह संबंधित है। और मंत्रिपरिषद का प्रयोग किसमें है, अनुच्छेद 74 में, 76 में कहा है महान्यायवादी का प्रयोग है, महान्यायवादी शब्द का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है, मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी के दिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका को स्थान मिला था। प्रश्न 15 देखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। अगर भारत में विश्व अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन होंगे, और नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, और इसीलिए उनको 1970 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।